हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ प्रोफेशनल व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो आपको शूट कैसे करना है, एक मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। को वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो गूगल से डाउनलोड किए थे बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इमेज जो है आपको काफ़ी छोटा बड़ा हो रहा था। सिंपल आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, क्लिक करना है, क्रॉप पे क्लिक करना है, इसे आपको क्लिक कर देना, तो ये जो आपको है इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इमेज जो हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इस इमेज को आपको 15 से 20 सेकेंड आपको कर देना है वीडियो को अकॉर्डिंग। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, आपने जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो को आपको प्ले कर कर देख लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो लेफ्ट साइड का पार्ट आपको रिमूव हो जाएगा। वीडियो को लास्ट पॉइंट पे आएंगे, अगर यहाँ से आपको एक्स्ट्रा है तो वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में आपका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और इसे आपको इनेबल करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद इसे आपको डन कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। फिर से हमें वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की को आपको सिंपल इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो मैंने पर्दा यूज किया था बैकग्राउंड में वो हमारा ग्रीन कलर का था। इसके बाद डन करना है। शो मास्क पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, शो मास्क पे क्लिक करना है और ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो सिंपल इसे आपको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना है। इसके बाद ये जो है आपको फेस को वाइट करने के लिए, तो आपको फेस को कुछ इस तरह से वाइट आपको कर देना है। इसके बाद इसे शो मास्क पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी था बैकग्राउंड में क्रोमा की, आपको बैकग्राउंड में जो ग्रीन स्किन था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद इसे डन करना है। इस पर फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है और आपको यहाँ पर साइड में एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद इसे हमें डन करना है, तो आप वीडियो एक बार प्ले कर लेना तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, इस बैकग्राउंड को इस तरह से जूम कर लेना है और यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से आपको लगा देना है और इस बैकग्राउंड को फुल कर देना है। फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे आपको ऊपर की तरफ एडजस्ट आपको कुछ इस तरह से कर देना है। इसके बाद डन करना है। तो वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर कर देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो में आपको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहना चाहिए। यदि वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो एक्स्ट्रा पार्ट आपका वीडियो आपको मैच नहीं कर पाएगा। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रेक्ट आइडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देना है। और सिंपल जो भी यहाँ पर आप टाइप करना चाह रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी से टाइप कर सकते हैं। सिंपल मैंने टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद इसे हमें डन कर देना है और इसे आपको इस तरह से कुछ, इसके बाद इस तरह से कुछ इसे जूम कर कर सही राइट साइड में एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फाउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं हमारा इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल गया। इसे हम लास्ट तक लेकर आ जाते हैं, फिर से लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे। मैंने एक दिल का PNG डाउनलोड कर रखा हो गूगल से, तो आपको भी डायरेक्ट इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। इसे आपको इस तरह से छोटा कर कर एडजस्ट आपको कर देना है और इसके बाद इस इमेज को फुल साइज आपको कर देना है। तो
तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।